हो ज्ञानी ज्ञान के दान मुनि गुरुवर को करके प्रणाम ससुर को लगा कि महाराज को इतना भी नहीं आता कि महिलाओं से कभी उम्र नहीं पूछी जाती और पुरुषों से कभी इनकम नहीं पूछी जाती है। ये कितना भी कमाए करोड़ों भी कमाए जब हम पूछते हैं कि सेठ जी क्या चल, अरे महाराज बस दाल रोटी चल रही है और क्या चल रहा है, सही हिसाब ये कभी नहीं देंगे। ध्यान रखना आपकी दुआ है दाल रोटी कट रहे हैं दिन महाराज चल रहा है। और महिलाओं से पूछो तुम्हारी उम्र क्या है तो 5-10 साल कम ही बताएंगे। ट्रेन में दो महिलाएं जा रही थी, एक महिला ने दूसरी से पूछा बहन तेरी उम्र क्या है, बोली ये कोई 30 साल थी 50 की 20 डिस्काउंट। दूसरी से पूछा तेरी उम्र क्या है, बोली 25 मान ले, बोली कि बस 25 मान ले थी 35 की। एक आदमी सुन रहा था कि एक 35 की अपने को 25 बता रही, 50 वाली 30 बता रही, तो हुआ क्या कि वो धड़ाम से गिरा आवाज सुन के नीचे। जैसे ही नीचे आया महिला ने कहा क्या हुआ, बोले मैं तो पैदा हुआ। मामला बड़ा गड़बड़ है, तुम 50 की 30 हो रही हो तो मैं तो अभी पैदा ही हो रहा हूं, अभी गिरा हूं धरती पर। महिलाओं से कभी उम्र नहीं पूछी, कभी इनसे फार्म भरवा के देखना, घर में जाके छांटेंगी जो पुरानी फोटो है वही लगाओ, नई में तो बूढ़ी देखोगी। और इनको हर चीज बर्दाश्त है, बूढ़ा कहलाना बर्दाश्त नहीं है। बोले महाराज मेरी उम्र, बोले हां, बोले महाराज मेरी उम्र तो 5 साल है। अरे ससुर ने कहा यार ये 25-30 साल की इतना घटा कि 5 भी आ गई। साधु ने पूछा कि बहन तेरी पति की उम्र क्या है, बोले 2 साल। अरे बोले ये 5 की पति 2 का 25-30 साल का मेरा बेटा। तो बोले बेटा एक बात और बता तेरी सासू की उम्र क्या है, बोले 4 महीने। बोले गजब कर दिया, खुद 5 साल की, पति 2 साल का, सास 4 महीने की। बोले तेरे ससुर, बोले वो तो अभी पैदा ही नहीं हुए। बोले मामला बड़ा गड़बड़ है। साधु ने पूछा कि बेटा बासा खाती हो कि ताजा, बोले मेरे भाग्य में ताजा खाना कहां लिखा है, जो कुछ भी खाती हूं बासा खाती हूं माता। साधु चले गए, सेठ को बड़ा गुस्सा आया। सेठ ने कहा कि क्यों तूने उठा डंडा लेकर तमतमाते हुए, क्यों बहू मैं तो तुझे बड़ा समझदार समझता था, बड़ा ज्ञानी समझता था, लेकिन कैसी मूर्खता वाली बातें करती है तू। बोले क्या हुआ पिताजी, बोले मैं पैदा नहीं हुआ, मैं तेरा ससुर 5 फीट का खड़ा हूं, बुढ़ा 60 साल का 70 साल का, अभी मैं पैदा नहीं हुआ हूं, ये क्या तेरा मेरा भूत खड़ा है। बोले पिताजी मैंने कोई गलत तो बोला, बोले बहस करती है गलत नहीं बोला। बोले ध्यान रख साधु से ऐसी बात करना चाहिए, वो साधु भी कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तू उत्तर दी जा रही है। ऐसा कर बेटा तू चल साधु से माफी मांग कि मैंने आपका अपमान किया गलत उत्तर दिए। बहू ने कहा चलो इसी बहाने चलो तो तुम साधु के पास। गई ले गई बहू साधु के पास, ससुर ने कहा कि साधु जी इसे माफ करो, ये नादान है बच्ची है, अभिशाप मत दे देना। ध्यान रखना दुनिया में जैन संत ऐसा है जो कभी किसी को अभिशाप नहीं दिया करता है, ध्यान रखिए। चाहे उन पर फूल बरसाओ या कांटे बरसाओ, चाहे उनकी पूजा करो या गालियां दो, अभिशाप जैन संत कभी नहीं दिया करते हैं। और एक बात और कहता हूं, यदि कोई जैन संत अभिशाप दे भी दे, पहली बात तो देते नहीं, और दे दें तो अभिशाप मत समझना, वो तुम्हारे लिए वरदान बनकर के खड़ा हो जाया करता है।
गया सेठ। सेठ ने कहा कि बड़ी मूर्ख है ये बहू महाराज। साधु ने कहा सेठ तेरी बहू बहुत समझदार है। बोले तुम भी लग रहा है इसी लाइन के हो। अरे बोले देखो ना महाराज, ये आपसे पूछ रही है कि इतने जल्दी क्यों आ गए। अरे भोजन का समय है, भोजन को नहीं आएंगे तो कब आएंगे। संत ने कहा कि सही कहा इसने कि इतने जल्दी क्यों आ गए। हकीकत में प्रश्न भोजन का नहीं, प्रश्न ये था कि 18 साल की जवानी में सन्यास इतने जल्दी क्यों ले लिया। सन्यास की उम्र तो बुढ़ापा होती है, ये बालपन में सन्यास क्यों ले लिया, इसके पूछने का अर्थ इतना ही था कि इतने जल्दी। और बोले तुमने कहा कि मुझे टाइम का पता नहीं था। बोले सही कह रहे हो कि मुझे समय का पता नहीं था। समय का अर्थ होता है मौत, मौत कब आ जाए इसका मुझे कुछ पता नहीं था, इसलिए मैंने इतने जल्दी सन्यास। और बोले ये कह रही थी कि मैं 2 साल की हूं। तो बोले बोल बेटा तूने 2 साल क्यों बोला, ए तू अपने को 5 साल क्यों बोला। बोले बस पिताजी मैं 5 साल से ही धर्म ध्यान करती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, उसके पहले मैं कभी मंदिर नहीं गई। पिताजी 20 साल की उम्र तो बेकार चली गई, तो 5 साल जो धर्म ध्यान में गए वही मेरी उम्र है और वही मेरे काम आएगी। और बोले पति 2 साल का, बोले कि जब से शादी हुई है, समझाते समझाते थक गई, लेकिन अभी 2 साल से उन्हें समझ में आया है जीवन कब बदल जाए कुछ नहीं कह सकते। और बोले वो सास 4 महीने की, अरे बोले जब से महाराज का चतुर्मास हुआ है ना, मैं बहुत बोली कि जा अम्मा जा, प्रवचन में जा, सत्संग में बैठ, जाने को तैयार नहीं। मैंने एक दिन कह दिया कि अम्मा जी अरे तुम सत्संग में नहीं जाओगी तो मैं ना मीठा खाऊंगी ना नमक खाऊंगी। मैंने एक दिन नहीं खाया, 2 दिन नहीं खाया, 3 दिन नहीं खाया, 4th दिन सास ने देखा कि ऐसे तो बहू सूख जाएगी, बीमार हो जाएगी, और नई नई शादी हो गई, मर गई ये, और जेल हम जाएंगे। तो उसने कहा बेटा नमक खा ले मीठा खा ले। बोले मैं तभी खाऊंगी जब तुम सत्संग में जाओगी। और मेरी अम्मा ने कहा कि तेरी इतनी जिद है तो चल आज मैं सत्संग में जाती हूँ। और एक दिन क्या महाराज के प्रवचन में गई, 4 महीने से प्रवचन में जाना नहीं छोड़ा। तो मैंने कहा मेरी सासु की उम्र केवल 4 महीने की है, इससे ज्यादा की उम्र बहुएं बदल सकती हैं घरों को, ध्यान रखना। और परिवार को यदि बदलना है ये मत सोचना, ये कसम मत खाना कि मैंने सासु को नहीं बदला तो मैं फूलन देवी नहीं। सासुए सौगंध ना खाए कि मैं भी नहीं बदलूंगी वरना मैं भी झांसी की रानी। नो, ध्यान रखिए खुद को बदलो। खुद का परिवर्तन परिवार का परिवर्तन है। ये मत सोचो कि सासु प्यार नहीं देती है, ससुर प्यार नहीं देते, बेटा प्यार नहीं देता है, पति से मुझे सम्मान नहीं मिलता है। प्यार मांगने से नहीं मिलता मेरे भाई, प्यार लुटाने से मिलता है। जितना लुटाओगे उतना प्यार लौटकर वापिस आएगा। अरे प्यार में तो वो ताकत है और प्रेम में वो शक्ति है। इंसान तो कहां यहां पत्थर भी पिघल जाते हैं, यदि प्रेम हमारे भीतर मौजूद हो या तो पत्थर भी भगवान बनकर के खड़ा। तो ये प्रेम ही तो है, वरना मंदिर की मूर्तियों में रखा क्या है सिवा पत्थर के। ये हमारा प्रेम है जो पत्थर में भी हम भगवान के दर्शन कर लिया करते हैं। ध्यान रखिए प्रेम होना चाहिए। प्रेम से तो एक सांप भी पिटारे के अंदर आ जाता है मेरे भाई। जब जहरीली नागिन पिटारे में आ जाती है प्रेम के बसीभूत होकर, तुम्हारी सास उससे ज्यादा जहरीली तो नहीं होती। ध्यान रखिए वो भी मुट्ठी में आ सकती है, व्यवहार बदल। ये शिकायत मत करो पीहर में कि मेरी सास खराब है, मेरी जिठानी खराब है। एक बात ध्यान रखना, यदि किसी में तुम्हें अच्छाई नजर आ रही है तो ध्यान रखना अच्छा सामने वाला नहीं है, अच्छे तो हम हैं जो हमने उसमें अच्छाई देखने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान रखना कोई आदमी अच्छा बुरा नहीं होता, अच्छे बुरे तो हम हैं। हम बुरे हैं तो सामने वाले में बुराई ढूंढेंगे, और हम अच्छे हैं तो सामने वाले में भी अच्छाई खोजेंगे, अपने आप मिल जाएगी। ध्यान रखना, सोचना है आपको, गुलाब के पौधे में कांटे भी होते हैं और फूल भी होते हैं। जिनकी दृष्टि फूल पर है उन्हें फूल दिखाई देता है,
और जिनकी दृष्टि कांटों पर है उन्हें कांटा दिखाई दिया करता है। हमें ही अपना परिवर्तन करना है। अरे दृष्टि बदलो मेरे भाई, सृष्टि अपने आप बदल जाया करती है, उसे बदलना नहीं पड़ता है। सारी दुनिया को लाल देखना है तो आंखों को लाल मत करो, लाल चश्मा लगाओ, दुनिया लाल लाल दिखाई देगी। हरा देखना है तो हरा चश्मा लगाओ, दुनिया हरी दिखाई देगी। जैसा चश्मा होगा वैसी दुनिया दिखेगी। जो गाड़ियां होती है ना, इनके पीछे रेड लाइट होती है। कौन से रंग की होती है? लाल। सिग्नल में रेड, ग्रीन, ऑरेंज, ये लाइट होती है ना। कौन कौन सी होती है सिग्नल में? अरे नादानो, लाइट तो सफेदी होती है, उसका कांच हरा नीला लाल होता है, ध्यान रखिए। लाइट कभी रंगीन नहीं हुआ करती है, उस पर जो कांच लगा है ना वो उसे हरा कर देता है, वो उसे लाल कर देता है। कहने का मतलब है लाइट तो लाइट है, करंट का रंग कैसा है, ना हरा है ना पीला है ना लाल है। लाल कांच लगा दिया तो गाड़ी में लाल बत्ती हो गई, और ऑरेंज लगा दिया तो ऑरेंज बत्ती हो गई। ध्यान रखना लाइट तो निरपेक्ष होती है रंगों से, वैसे ध्यान रखना दुनिया सब निरपेक्ष है। आंखों में जैसा कांच होगा वैसी धरती हमें दिखाई देगी, हमारी सोच जैसी होगी, हमारा चिंतन जैसा होगा वैसे ही दिखाई देगा। उस बहू ने ठान लिया कि सासू को धर्मात्मा बना करके रहूंगी। आज की बहुएं एक ठानती है कि आई एम सेपरेट सेपरेट, तुम अलग हम अलग। क्या होगा इससे बताइए? मकान बदलने से क्या आदतें बदल जाएंगी? जो झगड़ा आज सासू से कल पति से शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब आप अलग रहने लगे हैं। स्वभाव बदलो, ध्यान रखना मकान मत बदलिए, परिस्थितियां मत बदलिए, अपने आप को बदलो, परिस्थितियां तुम्हारे अनुकूल अपने आप हो जाएंगी। ध्यान रखना खुद का परिवर्तन, निज पर शासन फिर अनुशासन। एक तुलसी महान संत हुए श्वेतांबर परंपरा में, स्थानक में, तेरा पंथ में, उन्होंने एक नारा दिया, निज पर शासन फिर अनुशासन। ध्यान विचार, खुद को ही बदल सकते हो तुम। दुनिया को बदलने जाओगे तो दुनिया बदलने वाली। अरे जगत को सुधारने की चिंता मत कर यार, तेरा मन ही जगत है और पहले उसे सुधार। ध्यान अच्छा बनवा। महिलाओं से निवेदन है, घर तुम्हारे ऊपर डिपेंड है, मैचिंग करती हूं, सब मैचिंग बैठी हूं वहां से। लाल साड़ी, लाल रुमाल, लाल चूड़ी, लाल बिंदी, लाल चप्पल, सब कुछ लाली लाल, लाली तेरे लाल की जिद देखूं तित लाल, मैं बोरी देखन गई और मैं भी हो गई लाल। मैचिंग बहुत चलता है इनका। एक महिला आई, बोले मैंने देखा कि बिल्कुल लाल लाल। मैंने कहा जी क्या है, लाल दिवस है क्या? बोले नहीं मैचिंग है महाराज, लाल साड़ी, लाल पाउडर, लाल लिपस्टिक, लाल बिंदी। दूसरे दिन सफेद साड़ी, सफेद पाउडर, सफेद नेल पॉलिश, सफेद रुमाल, हर चीज सफेद। मैंने कहा आज भी मैचिंग फिट है। तीसरे दिन काली पहन के आई, समझ गए मैचिंग बिगड़ गई। मैंने कहा लाल साली साड़ी थी तो लाल पाउडर था, सफेद साड़ी में सफेद पाउडर, आज तो ब्लैक एंड व्हाइट कैसे हो गया? आज ब्लैक होना था। कोई बात नहीं, खूब मैचिंग करो, मेरा कोई वो नहीं। श्रावक को करते हो, कोई बुरी चीज थोड़ी, करना चाहिए। लेकिन एक बात और निवेदन करूंगा कि कपड़ों की मैचिंग के साथ साथ मन की मैचिंग करना भी सीखिए। ध्यान रखना कपड़ों की मैचिंग सुकून दे या ना दे, लेकिन मन की मैचिंग जरूर सुकून दिया करती है। अपने मन को ऐसा बना लो कि जो ससुर से भी मैच कर जाए, सासू से भी मैच कर जाए, ननंद से भी मैच कर जाए, पति से भी मैच कर जाए। अरे जिसने मन की मैचिंग कर ली उसने घर को स्वर्ग बना लिया, और जो मन की मैचिंग नहीं कर पाया वो घर को स्वर्ग नहीं बना सकता है। अरे मेरे भाई, केवल घर को ही स्वर्ग नहीं बनाना है, ऐसा दिल बना लो कि हिंदू का दिल मुसलमान से मैच कर जाए और मुसलमान का दिल हिंदू से मैच कर जाए। समझ लेना कि हो गई दुनिया, जन्नत बन गई, ये धरती यही उतर कर आ गई।
मंदिर मस्जिद की मैचिंग कर लो मेरे भाई, स्थानक और मंदिरों की मैचिंग कर लो, देखना तुम्हारा जीवन कैसा हो जाएगा, ये धरती फिर से स्वर्ग बन करके खड़ी हो जाए। कुरान की मैचिंग रामायण से क्यों नहीं करते हो, और रामायण की मैचिंग किसी समय सार और चिनागम से क्यों नहीं करते हो? अरे लड़ो मत मेरे भाई, आपस में इतना मैच हो जाओ कि जैसे दूध में पानी मिल जाता है, ध्यान रखिए, ऐसे मिलकर के जो रहता है। मैं कहता हूं कि केवल उत्तर प्रदेश में अयोध्या नहीं है, यदि हमने मैचिंग कर ली तो पूरा भारत राम राज्य बनकर के खड़ा हो जाएगा, पूरा हिंदुस्तान अयोध्या बनकर के खड़ा हो जाएगा। क्यों जाते हो काबा, क्यों जाते हो अयोध्या, क्यों जाते हो सम्मे शिखर और वैष्णव देवी? अरे पूरे निम्मा हेड़ा में प्यार से रहो तो निम्मा हेड़ा किसी अयोध्या से कम नहीं हुआ करता है, किसी काबे से कम नहीं होगा, किसी हज से कम नहीं होगा। ध्यान रखिए, अपने शहर को तीर्थ क्यों नहीं बनाते हो, अपने घरों को मंदिर क्यों नहीं बनाते हो? ध्यान रखिए, बदल लीजिए। अरे मेरे भाई, मंदिर में जाते हो तो पत्थर की पूजा करते हो, उस भगवान को शीश झुकाते हो जिसे तुम बनाते हो, तुम ही पूजने लगते हो। ध्यान रखिए, जयपुर जाते हो, मूर्ति लाते हो, खुद बनाते हो, खुद ही शीश झुकाते हो। अरे उस भगवान को प्रणाम क्या करना जिसे तुमने बनाया, प्रणाम तो उसे करो जिसने तुम्हें बनाया। ध्यान रखिए, उस परमात्मा को जो प्रणाम करेगा वो आदमी आदमी से नफरत कैसे करेगा? ध्यान रखिए, बहू ने बदल दिया घर, सासू को मंदिर जाना सिखा दिया। ससुर ने कहा, और मैं जो अभी पैदा ही नहीं हुआ? तो बहू ने कहा कि पिताजी, जिस घर में संतों का भोजन चल रहा हो और 80 साल का बूढ़ा खाट पे पड़ा पड़ा सो रहा हो, तो मेरी नजरों में अभी वो पैदा कहां हुआ? आप सोच रहे हैं कि खाट में पड़े हैं और मैं सोच रही हूं कि गर्भ में पड़े, अभी तुम्हारा जन्म हुआ ही नहीं है। अरे तुम कैसे संत, कैसे व्यक्ति हो? साधु आया और सो रहे हो? निम्मा हेड़ा वालों, आज देखना घर में जाकर कितने पैदा नहीं हुए। संत आया है शहर में और वो घर बैठे हैं अभी पैदे, और कई तो आज ही पैदा हुए होंगे, कई की उम्र तो कल से ही आई होगी, दो ही दिन हुए होंगे, अभी तो सूतक ही चल रहा हो। विचार, आदमी का जन्म उस दिन नहीं होता जिस दिन वो मां के पेट से आता है, आदमी का जन्म तो तब होता है जब उसके भीतर कोई परमात्मा जन्म लेना प्रारंभ करता है, तब उस आदमी का जन्म हुआ करता है। अरे पत्थर में भगवान बनाना बहुत आसान है, लेकिन अपनी जिंदगी को भगवान बनाना बहुत कठिन काम हुआ करता है। अपने भीतर भगवान की प्राण प्रतिष्ठा करो, मूर्तियों में करने से कोई भगवान नहीं मिला करता है। और मैं तो कहता हूं कि किसी मूर्ति में भगवान की प्रतिष्ठा करो तो भगवान नहीं मिलेगा, लेकिन अपने प्राणों में भगवान की प्रतिष्ठा करो तो जीवन खुद भगवान बन करके खड़ा हो जाया करता है। अपने जीवन को भगवान के समान बनाइए। बहू ने कहा कि बताओ पिताजी, तुम कहां पैदा हुए? बोले, धन्य हो गया बहू, तेरे जैसी बहू पाकर। दिगंबर जैन समाज के प्रख्यात कवि हृदय संत वात्सल्य मूर्ति, प्रखर वक्ता मुनि श्री पुलक सागर जी महाराज की लेखनी द्वारा अलौकिक साहित्यों की रचना हुई है। मुनि श्री द्वारा रचित ग्रंथों को पढ़ने से आपका जीवन निश्चित ही नए आयामों को प्राप्त करेगा। साथ ही मुनि श्री के विचारों को जानने के लिए मासिक पत्रिका पुलक वाणी के सदस्य बन जीवन में नई ऊर्जा का संचार करें। मुनि श्री के साहित्य एवं पुलक वाणी को प्राप्त करने के लिए संपर्क करें केंद्रीय कार्यालय वात्सल्य भवन, P75 गली नंबर 5, बिहारी कॉलोनी एक्सटेंशन, शाहदरा, दिल्ली 110032, मोबाइल 9198109006999, ईमेल पुलकवानी@gmail.com।